हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो हम लोग राजस्थान जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी सीरीज चल रही है अपने चैनल पे, राइट। और ये राजस्थान जीके कौन से पेपर कौन के द्वारा पूछे गए, तो RSMSSB बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स लेता है, और वही RSMSSB बोर्ड है ये जो आपका लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी लेगा, और ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लेता है, जिस पटवारी का भी लिया है, वीडियो का भी लिया है ना। तो इन एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का कोई भी पेपर हो, राजस्थान जीके ना आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस पे एग्ज़ाम में जितने भी राजस्थान जीके के सवाल आए हैं 2022 से लेके 2015 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके के सवाल आए हैं, अपन वो वाले सवाल इसमें देखते हैं। तो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, मैं एक बार के लिए आपको वो बता देती हूँ, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले इसी के अंदर मतलब 2022 में जो पेपर हुए थे फरवरी और जनवरी में, मैंने वो करवा दिए हैं आपको। उसके बाद में 2021 के जितने भी पेपर थे सबके में जितनी भी राजस्थान जीके पूछी गई थी सारे हमने देख लिए। उसके बाद में 2019 वाले भी कर लिए, और ये 2019 का दिसंबर में हुआ था जो पेपर आज करने वाले हैं। तो अपन लोग 2020 और 2021 में हुए पेपर की राजस्थान जीके कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ एक बार जाके मेरे कहने पर चेक जरूर करना। आपने अगर ये सवाल कर लिए ना, तो समझ लेना मैं आपको 75 पेपर करवाने वाली हूँ। अब आप सोचो, अगर एक पेपर में भी 40 या 50 क्वेश्चन है, जैसे इस वाले पेपर में अपन 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सोचो आप कितने सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो जाएंगे। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपको पता तो चले कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कैसे सवाल राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, इसी लेवल के सवाल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी मैं तो आपको एडवाइस ही दे सकती हूँ, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका मन करे तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हाँ, मेरा चैनल है तो कंटेंट तो अपलोड होगा ही होगा। तो देखो, लवण निरीक्षक उद्योग विभाग, ये एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को, ठीक है। इसके अंदर जो जो सवाल आए थे राजस्थान जीके के, हम वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि बारबरी एक नस्ल है। आपसे पूछा गया है कि बारबरी किसकी नस्ल है, आपने देखा होगा भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है ना, इनमें इनसे सवाल बहुत आते हैं। तो ये बकरी की नस्ल है या भेड़ की नस्ल है या फिर गाय की नस्ल है या फिर ऊँट की नस्ल है। तो जो बारबरी है ना, बारबरी के बै से याद रख लो, बै फोर बकरी, ठीक है। अब ये मत बोलना बै फोर तो बी फोर तो बॉय होता है, नहीं, यहाँ पे बै फोर बकरी होती है, ठीक है। बारबरी आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ भी एक सोच के याद रखो, वो अलग बात है, कोई नहीं पूछ रहा कि आपने कैसे याद रखा है। तो ध्यान रखना, जो बारबरी है वो बकरी की नस्ल होती है। इसके अलावा राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में कौन से ज़िले में प्रवेश करती है, जो राजस्थान फीडर नहर है वो राजस्थान के किस ज़िले में प्रवेश करती है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर चूरू। तो इसके अंदर हनुमानगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान फीडर नहर जो है वो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। जिन नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरता है, वह है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जिन नगरों से होकर गुजरता है वह कौन कौन से हैं। तो बीकानेर जयपुर जोधपुर या फिर अलवर जयपुर अजमेर या फिर उदयपुर कोटा बूंदी या फिर धौलपुर अलवर दौसा। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, अलवर जयपुर अजमेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है इसमें से गलत कौन सा है। पहला है बीसलपुर परियोजना टोंक, दूसरा सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा, मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा या छापी परियोजना झालावाड़। तो आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सोम कमला अम्बा परियोजना है वो डूंगरपुर में है, ना कि बांसवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा जो बीसलपुर परियोजना है वो टोंक में है, सही बात है। मेजा बांध परियोजना कहाँ पे है, भीलवाड़ा से है। छापी परियोजना झालावाड़ में चल रही है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो जो सूखा संभावित क्षेत्र है वो 1974-75 में प्रारंभ हुआ था। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधिक योजनाएं, दीर्घावधिक पूछी है आपसे, है ना। तो इसके अंदर राजस्थान रोड विजन 2010, राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2025 या फिर राजस्थान रोड मास्टर प्लान 2021 या राजस्थान रोड विजन 2025। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो राजस्थान रोड विजन 2025 है वही है दीर्घावधिक योजना, ठीक है। किसके लिए, सड़कों के विकास के लिए, कौन चला रहा है, राज्य सरकार। गुलाबी मार्बल मिलता है, तो आपको पता है पिंक सिटी के नाम से कौन फेमस है, जयपुर। तो ध्यान रखना गुलाबी मार्बल भी जयपुर में ही मिलता है।
झाली बाबा बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो झाली बाबा बावड़ी और मामा देव का जो कुंड है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, या फिर गागरौन दुर्ग में, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में, या तारागढ़ बूंदी में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मतलब अजमेर को राजधानी बनाया था? क्या विग्रहराज दत्त्य थे, या फिर गोविंदराज दत्त्य थे, यार्णोराज थे, या फिर अजयराज थे? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, अजयराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये तो सबको पता होगा, खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रख लेना, 12 सितंबर को। वह जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है, न्यूनतम 1% क्षेत्र वाला जिला पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 61 है, वह जिला जिसमें न्यूनतम 1% क्षेत्र है, तो आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर जो 1% है वो न्यूनतम है? चूरू में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर नागौर में? तो जोधपुर में। ठीक है, अगर आपको ये सवाल पहले से आते हैं तो आप सोच के रखा करो कि ये आंसर हो सकता है, और जब मैं टिक करूँ तो मैच कर लिया करो कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था। अब आपको इसमें बताना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो तांबा कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो तांबा के लिए खोदरीबा फेमस है। ठीक है, जिप्सम के लिए राजपुर देवारी फेमस है। सीसा एवं जस्ता के लिए झामर कोटड़ा, तथा रॉक फॉस्फेट कहाँ के लिए, मतलब रॉक फॉस्फेट के लिए जामसर। ठीक है, अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है? तो ऐसा कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जो किसके साथ में सीमा नहीं बनाता है? हाँ, राजस्थान के साथ में। तो आपको पता होगा MP जो है, मध्य प्रदेश, वो सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है राजस्थान से, पंजाब की भी सीमा लगती है, बट हिमाचल प्रदेश ऐसा है जो राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में सबसे लंबा बांध, आपसे सबसे लंबा बांध पूछा है, राणा प्रताप सागर बांध, माही बजाज सागर, बिसलपुर, या कोटा बैराज? तो इसमें से सबसे लंबा जो बांध है ना वो है माही बजाज सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो आपसे पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में जो सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 15। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि बालसमंद झील कहाँ पर है, कभी पूछ लेते हैं कायलाना झील कहाँ पर है, और इसमें दोनों को ही साथ में पूछ लिया कि बालसमंद और कायलाना झील कहाँ पर है, तो इसके अंदर जो बालसमंद और कायलाना झील है ना वो जोधपुर में स्थित है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो पांचना बांध है भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर? तो ध्यान रखना जो पांचना बांध है वो करौली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, गढ़बीटली नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बीटली जो है दुर्ग वो मतलब गढ़बीटली कौन से दुर्ग का दूसरा नाम है ऐसे याद रख लो। तो जो तारागढ़ का दुर्ग है उसको गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किन किन के बीच में हुई थी? तो जो मुगल मेवाड़ संधि है ना वो हुई थी जहांगीर एवं अमर सिंह के बीच में। किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो जो किशनगढ़ का राजघराना था वो कौन से राजपूत कुल से संबंधित था? क्या वो चौहान था, भाटी था, सिसोदिया था, या फिर राठौड़ था? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राठौड़। क्वेश्चन नंबर 71, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो जो कालीबंगा है उसका उत्खनन कार्य, आपको भी पता है कालीबंगा एक सभ्यता है, तो उसका जब उत्खनन कार्य हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था, आपको ये चीज़ पूछी गई है। तो VS वाकणकर, VN मिश्रा, HD साकलिया, या फिर BB लाल? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, BB लाल। घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत, या फिर संस्कृत? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कि जो घोसुंडी अभिलेख है वो ब्राह्मी में लिखा हुआ है। देखो अभिलेख वगैरह ऐसे सोचते हैं कि पुराने ज़माने के हैं तो ऑब्वियस संस्कृत में ही होगा, बट नहीं, ध्यान रखना जो घोसुंडी वाला अभिलेख है वो तो ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो जो बातारी फुलवारी है उसके लेखक कुछ है आपसे, है ना? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं श्रीधर, विजयदान देथा, रांगी राघव या भरत व्यास। तो इसके अंदर विजयदान देथा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि बातारी फुलवारी जो ग्रंथ है वो विजयदान देथा ने लिखा था। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला का निर्माण है ना वो करवाया था राव सुरजन ने, महाराव राजा उमेश सिंह ने, या महाराव राजा बुद्ध सिंह ने, या राव अनिरुद्ध सिंह ने। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि महाराजा उमेद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 75, बणी ठणी पेंटिंग किस चित्रशैली से संबंधित है? बणी ठणी बहुत बार पूछी जाती है और ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 76, सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो जो सहजोबाई थी उनके गुरु कौन थे? रामचरण जी थे, लालदास जी थे, चरणदास थे या सुंदरदास थे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चरणदास। क्वेश्चन नंबर 77, हवा महल का वास्तुकार कौन था? आपको पता है ना हवा महल कहाँ है, जयपुर में। तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना इसके वास्तुकार लालचंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने किसे भेजा था, जलाल खान को, मान सिंह को, टोडरमल को या फिर भगवंत दास को? तो ध्यान रखना अकबर ने 1573 में प्रताप को समझाने के लिए टोडरमल को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 79, नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? आपको ये पूछा गया कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल या फिर जयपुर प्रजामंडल? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? अंजना देवी, कमला स्वाधीन, नारायणी देवी या फिर शांति देवी त्रिवेदी? तो ध्यान रखना जो कमला स्वाधीन थी वो कोटा राज्य की, मतलब भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उद्घाटन किसने किया था? आपको पता होगा संयुक्त राजस्थान कब बना था, जब राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ आके मिक्स हो गया था, मतलब मेवाड़ का विलय हो गया था तब बना था संयुक्त राजस्थान। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी पी मैनन, जवाहरलाल नेहरू या फिर एन वी गाडगिल। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ओके, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग जो है थार मरुस्थल का भाग है? इसमें से आपसे पूछा है थार मरुस्थल का भाग कौन सा है, क्या वो माही बेसिन है, लूनी बेसिन है या बनास बेसिन है या चंबल बेसिन? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लूनी बेसिन। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसकी वजह से, मतलब अगर भूमि पर उसकी, मतलब वो फसल अगर उगाई जाए तो उससे क्या होगा ना, जो मृदा है वहाँ की उसमें नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। तो क्या वो चावल है, गेहूं है, दाल है या फिर गन्ना है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दाल है। क्योंकि याद होगा दाल, अगर साइंस वाले हैं तो ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि जो दाल वाले पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है आई थिंक, तो वो क्या करता है आपको पता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, राइट? तो वहाँ पे नाइट्रोजन की जो मतलब मात्रा है वो बढ़ जाती है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, ऐसी नदी बतानी है मतलब इन चारों में से जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है, काली सिंध, बनास, बाणगंगा या फिर माही? तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है माही। माही नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है। इसके अलावा काली सिंध, बनास और बाणगंगा, माही नदी मतलब बाणगंगा नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो ये तो सबको पता होगा, है ना, ज्योग्राफी में शुरू ही यहीं से किया जाता है, तो 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? तो डांग की रानी रानी जो है वो कौन से जिले को कहा जाता है? इसके अंदर ऑप्शन है धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। तो ध्यान रखना डांग की रानी करौली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है इसमें से गलत कौन सा है, घग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, नागपान, अरावली दर्रा या फिर शेर अरावली की चोटी?
तो आपको पता होगा। हाँ सही, ये सही दे रखा है कि सेर जो है एक अरावली की चोटी का नाम है, बोराट एक तरह का पठार है, घग्गर जो है वो मृत नदी होती है, बट जो नागपानी है ना वो अरावली दर्रा नहीं होता, नागपानी तो डूंगरपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो इसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या फिर जोधपुर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि हनुमानगढ़ नहीं आता है। खीर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? तो जो कत्था है वो जड़ों से, पत्तों से, छाल से या फिर मध्यवर्ती लकड़ी से। तो मध्यवर्ती लकड़ी से, मतलब खीर वृक्ष की मध्यवर्ती लकड़ी से आपको कत्था प्राप्त होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? 2005, 2010, 2015 या फिर 2017। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 2010। क्वेश्चन नंबर 92, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो किसान आंदोलन वाला टॉपिक इस चैनल पे कवर करवा दिया है, तो एक ही आंदोलन जो है वो मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 93, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि ट्रेंच वाली जो कमेटी है वो कौन से, मतलब कौन से किसान आंदोलन में बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन में ट्रेंच कमेटी का गठन किया गया था। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राजस्थान में जो आउवा का विरोध है वो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है आपसे, तो जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि हीरालाल शास्त्री जो थे वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 96, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर कोटा में। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण सवाई जयसिंह जी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा, सबके दिमाग में होली आ रहा होगा ना, क्योंकि होलिका दहन में खेजड़ी वृक्ष निकालते हैं और उनको बचाते भी हैं। ठीक है, पर नहीं, ये गलत है, क्योंकि होली वृक्ष की जो पूजा है वो दशहरे पे की जाती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 99, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जो कल्याण जी का मेला है वो जयपुर, आमेर, फालना या डिग्गी। तो डिग्गी में लगता है कल्याण जी का मेला। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप शतक लगाने वाले हो, है ना, वैसे स्टार्टिंग तो 50 से ही की थी पर फिर भी 100 तो आया ना। तो किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो गोगा जी, मल्लीनाथ जी, बाबू जी या तेजा जी। तो मल्लीनाथ जी। देखो, इसी पेपर में दो सवाल आ गए, एक जो ए पूछा था ना कि पशु मेला कहाँ लगता है, तो तिलवाड़ा भी आंसर कराई था मैंने थोड़ा, आई थिंक पता नहीं कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, बट तिलवाड़ा बाड़मेर उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन था, और ये मल्लीनाथ जी। तो GK के अंदर सवाल रिपीट होते हैं, घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये सीरीज चलाई जा रही है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कुछ नहीं ज़्यादा, 10-15 मिनट में आप डेली देखा करो, ठीक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है?